सागर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद अब पीड़ित परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। साथ ही सिरग्रामपुर में राष्ट्रपति से मुलाकात करने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा अधिकारी और काफिले की वजह से पीड़ित परिवार राष्ट्रपति से नहीं मिल सका, लेकिन पीड़ित परिवार ने अधिकारियों को राष्ट्रपति और सीएम के नाम ज्ञापन सौंप कर सीबीआई जाँच की मांग की है। बता दें कि मकरोनिया में 25 फरवरी को दबंग व्यक्ति ने लापरवाही करते हुए कुलभूषण सोनी को टक्कर मार दी थी। हादसे में कुलभूषण की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन पीड़ित परिवार इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है और मामले की जांच के लिए लगातार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। पक्ष अत्यधिक पीड़ित है। स्थानीय स्तर की जो जांच संस्थाएं हैं वो लगातार साक्ष्य विलोपित करने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में हमारा परिवार जो की पूर्णतः बिखर गया है, हम मध्य प्रदेश शासन के मुखिया से सीबीआई जांच की मांग करते हैं ताकि निर्दोष व्यक्ति को सामने आ सके एवं उसे न्यायोचित सजा मिल सके। जो व्यक्ति है वह बाहुबली है, राजनीतिक वरिष्ठ है और वह लगातार इस प्रकरण को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एसपी स्तर तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिले में एसपी का पद सबसे बड़ा होता है। वर्तमान परिस्थिति में मानसिक स्थिति ऐसी है कि हम खुद कुछ भी चाह कर नहीं कर पा रहे। अतः मैं मांग करता हूं पुलिस महानिदेशक महोदय से, एसपी महोदय से कि कृपया इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए।